नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यंग और बहुत ही स्मार्ट विलेन विपिन सिंह जी हैं। और इनका एक और खास परिचय है भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी यानी कि अक्षरा सिंह जी के पिता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भोजपुरी बचाओ में। आपके कैमरे के माध्यम से मुझे जितने भी तमाम दर्शकगण देखेंगे उनको मेरा प्रणाम है और आपका भी, आपको भी अनुज है फिर भी प्रणाम है। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये करूंगा जी कि इस उम्र में आप एक सुपरस्टार जैसे दिख रहे हैं, तो जवानी में आप कैसे दिखते होंगे और फिर भी उस वक्त आप विलेन का कैरेक्टर करते थे, क्यों नहीं आपने हीरो के लिए ट्राई? भाई ये भोजपुरी है, ये हर कोई सुपरस्टार है, तो आपने मुझे सुपरस्टार का तमगा दे दिया, इसके लिए शुक्रिया। और वैसे हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ सारे सुपरस्टार हैं, जो भी चाहे जो भी काम करते हैं जैसा भी काम करते हैं। शुक्रिया, अच्छा लगा। जिंदगी में बहुत मैंने किया, अभी भी काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, तो अच्छा लगा। जीवन के अनमोल पल हमने इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री को दिया, बहुत सारी बड़ी छोटी फिल्में किया और दर्शकों के बीच अपना थोड़ा सा एक छोटा सा मुकाम बनाया। भोजपुरी इंडस्ट्री के असामान्य कलाकारों को देखा जाता है, ठीक है, तो उनसे कई गुना ऊपर उठ के आपकी एक्टिंग देखने को मिलती है, ठीक ना? तो ये जो एक्टिंग है ये कहीं ना कहीं से सीखी हुई लगती है, सीखी हुई प्रतीत होती है। ऐसा ये नहीं लगता है कि बस मतलब गाँव से उठ के आए, खेत से उठ के आए और आ गए एक्टिंग करने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो अभिनय का जो तालीम है आपने कहाँ से ली? वैसे भोजपुरी में बहुत सारे गुणीजन बड़े बड़े एक्टर सब हैं, जहाँ संवाद बोलना ही उसको एक्टिंग समझा जाता है, लेकिन एक्टिंग की विधा बहुत ही क्लिष्ट विधा है और इसके सीखने में ताउम्र क्या पूरी जिंदगी गुजर जाती है और आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं। लेकिन यहाँ सब बड़े बड़े गुणीजन हैं और हमने जो भी छोटा सा एक मुकाम बनाया है, हमने किसी के आरती नहीं उतारी, हमने किसी को गोल गोल बातें नहीं की, किसी के आगे पीछे नहीं किया, और ये सब न करते हुए भी हमने लगभग 200 से पार फिल्में कर ली, तो ईश्वर का शुक्रिया और दर्शकों का। सर पहली बार आप भोजपुरी या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कब डेब्यू किए थे और वो किस भाषा की फिल्म थी? मैं डेब्यू किया था जी टीवी के रावण से, मुझे कॉल आया था तो मैं पटना से गया। उसके बाद मैंने हिंदी में बहुत सारी फिल्में की, सिराज तलपड़े के साथ, आगे से राइट, राजपाल के साथ, बेनी और बबलू साथ, मुंबई शूटर, फरा डायरेक्ट की थी सलमान खान के साथ भी, मेरे कई सीरियल थे, राजा की आएगी बारात का विलन था मैं, रावण का मायावी था, उसका साला का बड़ा किरदार था वो, एकता कपूर की भी कई सीरियलें की। शुक्रगुजार कहूँ या पता नहीं क्या, रवि कृष्ण जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मर्रवा भोजपुरिया करा और करो तर खाली हिंदी, चला भोजपुरी करे, पकड़ के ले आए और उन्होंने पहली बार अपनी फिल्म बिहारी माफिया में एक माफिया दोस्त का किरदार दे करके, जिसके निर्देशक बबलू सोनी थे, और मैं आ गया। उसके बाद मेरे पास बैठे बैठे भोजपुरी के सिनेमा आने लगे, करता गया, 200 पार कर दिया। अभी उम्र बची है, अभी कितना 16 में एक महीना कम है, तो अभी बहुत सारी फिल्में बची है जी, वो पूरा कर लूंगा। अच्छा सर, बॉलीवुड से अचानक भोजपुरी में आप आए और भोजपुरी में आपने काफी सारी फिल्में भी की और सफल फिल्में की, और बॉलीवुड से अचानक भोजपुरी में, फिर भोजपुरी से आपने बॉलीवुड की तरफ रुख किया या फिर ताकना ही छोड़ दिया? नहीं, वो समय का उतार चढ़ाव है और काम करता हूँ। रवि किशन जी ने कहा मुझे, अचानक एक दिन सडनली मुलाकात हुई, मर्दा वही तो अभी मैंने रिपीट किया, मर्दा वो भोजपुरिया बड़ा भोजपुरी ने की कर, तो चलो वो अपने फिल्म मिल लिया। फिर क्या हुआ कि बैठे बैठे मेरे पास काम आने लगा, तो जो मैं घूम के स्ट्रगल करता था, लोगों से मिलता था, ऑफिस वगैरह में जाता था, वो हमने बंद कर दिया, तो भोजपुरी में बैठे बिठाए मेरे पास काम आने लगा, तो कर ली इतनी फिल्म। और अभी भी देखिए कुछ बातें हैं जो बड़ा गौर करने का विषय है, जो कुशल अभिनेता होगा वो किसी स्टारों के आगे पीछे घूमेगा नहीं, उनकी
क्या बोलते हैं, चमचई कह लीजिए शब्द है एक, तो वो करेगा नहीं। हमने बहुत लगभग 25 वर्ष तक तो मैंने रंगमंच किया इंडिया के तमाम बड़े डायरेक्टरों के साथ, चाहे प्रसन्ना हो, हबीब तनवीर हो, बाबा कारंत हो, रंजीत कपूर हो, सीबा सोलंगैया हो, रतन थियाम जैसे पर्सनालिटी के साथ हमने काम किया। और श्रीराम रिपोर्टरी में रिपोर्टरी एक्टर था सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही। तो इतना काम करने के बाद मुझे लगता है कि दर्शकों के बीच मैं अपने काम से अपनी जगह नहीं बना पाया, तो इनके आगे पीछे करके मैं कहाँ तक जाऊंगा। आपके पास आना चाहिए काम अगर आप एक्टर हैं, मेरे पास अगर नहीं आ रहा है मैं एक्टर नहीं हूँ। सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 से 3 सवाल आपके आपके सामने रखूंगा जी। एक सवाल मेरा ये भी है कि आपकी पत्नी भी एक सफल अभिनेत्री है, ठीक है। कभी अब तो मतलब ऐसा समय आ गया है कि इन दिनों OTT और टीवी चैनलों पे फिल्में रिलीज होती हैं, क्या मतलब फ्यूचर में हम लोग आप दोनों को मतलब एक मतलब हीरो और हीरोइन के तौर पे कोई फिल्म देख सकते हैं क्या? ऐसा मेरे ख्याल से लगता नहीं, क्योंकि आपके रियल लाइफ की हीरोइन और आप उनके रियल लाइफ की। एक्चुअली मुझे ऐसा कोई प्रोड्यूसर दिख नहीं रहा है कि जो मुझे हीरो और मेरी पत्नी को हीरोइन बनाए। इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो जरूर, लेकिन क्यों मेरे पे पैसे लगाए? सर अब तो आप इतना सक्षम हो गए हैं, एक बेटी एक बेटा के रूप में आपने पैदा किया है अक्षरा सिंह जी, जिसको भोजपुरी की शेरनी बोला जाता है। और अक्षरा सिंह ने वो मुकाम हासिल किया है जो कि मतलब किसी भी सुपरस्टार के सामने खड़ा होने के बाद से बौनी नजर नहीं आती है, वहां भी एक उनका ऊंचा कद नजर आता है। तो ऐसे स्थिति में तो हैं आप लोग की आप अपनी फिल्म खुद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने घर के तो हीरो हैं, मेरी पत्नी मुझे हीरो के रूप में देखती है और हीरोइन भी है वो। मैं अपने और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे अक्षरा जी। अब ये है कि हम लोगों से भी काफी ऊपर निकल गई अक्षरा, उसने अपना मुकाम बनाया। शेरनी, मैं तो शेर कहाँ हूँ यार, मैं तो आपके जैसा ही हूँ, लोगों ने शेरनी बना दिया। चूंकि जो सामान एक उपमा देते हैं, ठीक है, उपमा प्यार से उन्होंने दिया। जब एक सामंतवादी सोच के खिलाफ जब उसने विद्रोह किया था, और विद्रोह करके समाज में जब एक लड़की पनपती है, थोड़ा मुकाम बनाती है ना, तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है ना, उस लड़की को खींचने के लिए एड़ी चोटी, एक साम दाम दंड भेद सब लगा देता है। और इन सब प्रपंचों के बाद जब कोई लड़की या कोई समाज की महिला अपना मुकाम या खूंटा गाड़ती है ना, तो बिहार के लोग ऐसे ही प्यार दे करके उसे शेरनी से विभूषित करते हैं। उन्हीं में से एक अक्षरा सिंह है कि उस वक्त बिहार के दर्शकों ने इतना प्यार और स्नेह दिया, जब उसके साथ बहुत तांडव हो रहा था, उसके साथ फिल्में छीन ली गई, गाना छीन लिया गया, पैसे नहीं थे, और एक उस तरीके से तांडव मचाया गया। वैसे में परिवार की जो पृष्ठभूमि है, एक पेज नहीं है, एक पन्ना नहीं है, एक किताब नहीं, एक पूरा उपन्यास है, और इसको सुनने और सुनाने के लिए काफी समय की आवश्यकता है जी, जी। और जिसकी जो मतलब आपके पास कम है अभी फिलहाल जी, जी। जैसे कि अभी हमारे गुरुदेव मनोज मतलबी जी के बेटा प्रिंस बाबू के तिलकोत्सव में आप लोग शामिल हुए, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अक्षरा इसे मनोज मतलबी जी की भी बेटी है जी जी। हाँ, वो अपना प्यार और स्नेह ना, जब अक्षरा फाइट करने लगी तो मनोज मतलबी जी और अविनाश झा घुंघरू जी दोनों ने बहुत साथ दिया, और आज तक वो बरकरार है। इंशाल्लाह मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही हमारा मुहिम हमारा कारवा चलता रहे, और इन गुणीजनों का हमारा साथ बना रहे, और बस चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, लेकिन फिर कभी फुर्सत में बहुत बड़ा इंटरव्यू आपका जी जी कीजिए। और बहुत आनंद आया आपके साथ बात करके। शुक्रिया। और सवाल पूछने की हमारी हैसियत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, हम आपसे मतलब जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी उम्र भी उतनी नहीं है, और उसका मतलब क्या बोला जाता है, समय का भी तकाजा है, तजुर्बा भी उतनी नहीं है, नहीं हो जाएगा लेकिन इकट्ठा किया जाएगा। देखिए, बहुत धन्यवाद। वक्त के थपेड़ों के साथ आदमी बहुत कुछ सीख जाता है, उनमें से हम लोग भी हैं। आप भी जब थपेड़े और लपेटे में पड़ेंगे, समझ गए, ये बिहारी प्रपंच के भंवर जाल में फंसेंगे, आप भी बहुत सारा आपको तजुर्बा मिल जाएगा और सीख जाएंगे। ये ईश्वर से कामना कीजिए कि हमारा बिहार बहुत तरक्की करे, हमारा बिहार शिक्षित हो, यहाँ के हर युवा
प्रगतिशील बने, शिक्षित हों और अपने समाज में एक नाम, एक मुकाम बनाए और बिहार की गाड़ी आगे ले करके जाए। हमने भी कभी किया था, बिहार से बाहर जाने के बाद ना बहुत सारे लोग हैं बिहारी है, हर जगह काटने वाले लोग मिलते थे। वैसे दौर में हमने फाइट करके खुद स्थापित हु, अपने आप को किया, पत्नी हुई, उसके बाद अक्षरा हुई। उसी तरीके से हम कामना करते हैं बिहार के हर युवा फाइट करके अपने समाज में, अपने घर में नाम, एक मुकाम बनाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और साथ ही बिहार का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया।